नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है, एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों के जो सीनियर नेता, या फिर यूं कहें कि राजद के सीनियर नेताओं ने इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसको लेकर एक विशेष नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस के नेता हैं मिन्नत रहमानी, उन्होंने क्या कुछ कहा है शहाबुद्दीन की मौत को लेकर, पहले आप सुनिए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो हैं, उनको पार्थिव शरीर नहीं लाने दिया गया बिहार, और क्या लगता है उनके मौत के पीछे साजिश हुई है? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोरोना की रिपोर्ट आई और उसमें निगेटिव दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि एक तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने में भी कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा कर रहा है। दूसरा ये कि 4 बार के सांसद, 2 बार के वो विधायक रहे, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम एम्स के अंदर जाकर के इलाज करवाने की जरूरत थी। उनको दीनदयाल उपाध्याय में भेजा गया, उनके परिजन बार बार ये मांग करते रहे कि हमारे शहाबुद्दीन साहब को जो है एम्स में इलाज करवाया जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनी। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके देहांत के बाद भी जिस तरीके से रवैया रहा वो बहुत ही गलत है। जिस अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार की जब कोरोना से मृत्यु हुई, तो उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव को भेजा गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन और जिनकी एक पूरे बिहार के अंदर और पूरे देश भर के अंदर हर कोई लोग उनके जानते हैं शहाबुद्दीन साहब को, तो मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और उनके मौत के पीछे क्या रीजन है, क्या सच्चाई है, हम चाहते हैं कि एक न्यायिक जाँच हो इसकी। तो आपने सुना, मिन्नत रहमानी है कांग्रेस के नेता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि शहाबुद्दीन साजिश के शिकार हुए हैं। जिस तरीके से उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जिस तरीके से उनका निधन हुआ, जिस तरीके से अंतिम संस्कार के दौरान उनके जनाजे के वक्त, या फिर यूं कहे कि जब वह अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाने वाला था, उस वक्त तक कोई उनके साथ खड़ा नहीं था, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश दिख रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शहाबुद्दीन के साथ है, उनके परिजनों के साथ है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा। वो हमेशा से, उन्होंने बताया है कि लगातार शहाबुद्दीन की जब से तबीयत खराब हुई थी तो लगातार वह संपर्क में थे उनके परिजनों के, वो जानकारी ले रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन अचानक जैसे ही ये जानकारी मिली कि शहाबुद्दीन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, उसके बाद अचानक यह जानकारी मिलना कि उनका निधन हो गया है, बेहद चौंकाने वाला था। ऐसे में अब मिन्नत रहमानी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि साजिश की जांच होनी चाहिए, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, और क्या कुछ इसके अंदर के पहलू हैं, इन सभी मामलों पर सरकार को क्लियर खुलकर सामने आकर बोलना चाहिए। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।